देश भर में चल रहे बीजेपी के उपवास पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। झज्जर से मौजूदा विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी के उपवास पर सवाल खड़े किए हैं। भुक्कल ने कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी अपनी ही नाकामियों के खिलाफ उपवास रख रही है। वहीं गीता भुक्कल गुरुवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बात कर रही थी और इसी दौरान भुक्कल ने बीजेपी सरकार के उपवास को मजाक बताया है और इस दौरान भुक्कल ने खेल नीति में किए गए बदलाव पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। भुक्कल ने कहा कि जब से सरकार बनी है बदलाव ही करती आ रही है और हर योजना के नाम पर बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं खेल नीति में हुए बदलाव से खिलाड़ियों के हौसले भी टूट रहे हैं। भुक्कल ने CBSE पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार पर आक्रामक वार करती रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक अजय गौतम ने बीते दिन पिहोवा किसान विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बताया कि हर विधानसभा में जाकर सभी संगठन मंत्री से मिलकर पार्टी के विस्तार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि पिहोवा से SS बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती गलत तरीके से बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। जो लोग उनके कार्यालय में पकड़े गए हैं वो तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, लेकिन असल में बड़े मगरमच्छ तो भारत भूषण खुद हैं। वहीं नौकरियों में हो रही धांधली के बारे में बोलते हुए अजय गौतम ने कहा कि हर CM आवास या फिर कार्यालय की जांच की जाए तो CM इसमें खुद मिले हुए हैं। अजय गौतम ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हें खुद पता चल जाएगा कि जनता इन्हें कितना चाहती है। रेवाड़ी में दलित के भारत बंद को लेकर बीजेपी की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंसक प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन किसी सूरत में उचित नहीं है। जहां तक 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन का सवाल है तो वो सरासर गलत हुआ है और इस मामले की जाँच चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो रेवाड़ी में ज्योति फूले के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी और उन्होंने कहा कि ज्योति फूले ने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया था उसे आज समाज में फैलाए जाने की जरूरत है। रतिया थाना पुलिस ने कांग्रेस के युवा नेता को अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद के रतिया थाना के SHO यादविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी गुरप्रीत खिंगरा निवासी सुखलमपुर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान काबू किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा नेता के पास से 315 बोर का एक अवैध देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जल्द ही कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया गया। आपको ये भी बता दें कि गुरप्रीत केंगरा युवा कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है। पंजाब नेशनल अग्रणी बैंक के 124वें स्थापना दिवस पर बैंक में निशुल्क हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला उपायुक्त पंकज ने किया और इस कैंप में उपायुक्त ने खुद भी रक्तदान किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो समय समय पर खुद रक्तदान करते रहते हैं और अब तक 7 बार वो रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान किसी को नई जिंदगी भी दे सकता है, इसीलिए लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के 124वें स्थापना दिवस के मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ DC पंकज कुमार ने किया और इस मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि रक्तदान महादान है, ऐसा उन्होंने कहा, और रक्तदान सबसे अच्छा तोहफा है जिससे किसी को नई जिंदगी दी जा सकती है। सरकार की तरफ से देश में लगे करीब 70,000 मोबाइल टावर्स को BSNL से अलग करने के फैसले के विरोध में देशव्यापी आह्वान के तहत BSNL कर्मचारियों ने आज रेवाड़ी में गेट मीटिंग की। गेट मीटिंग कर धरना प्रदर्शन करते हुए BSNL कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक साजिश के तहत देश में लगे इन मोबाइल टावर्स को BSNL से अलग कर रही है। कर्मचारियों ने बताया
कि सरकार इन टावर्स को एक कंपनी को सौंपना चाहती है जो कि अलग नहीं होने चाहिए। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि BSNL घाटे में चल रहा था, लेकिन अब काफी सुधार हुआ है और इसका निजीकरण वो नहीं होने देंगे। अंबाला कैंट के सदर बाजार में बीजेपी की रीढ़ कहे जाने वाले नगर निगम के मनोनीत पार्षद ने अपनी ही हरियाणा सरकार से नाराज होकर नारेबाजी की है और सड़कों पर बैठ गए हैं। पार्षद सतपाल ढल अंबाला कैंट के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं। ये सालों से चौड़ा बाजार के प्रधान भी हैं और ये पार्षद अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैंट में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है, जिसकी अगुवाई SDM और DSP खुद कर रहे हैं। दुकानदारों का विरोध देखते हुए नगर निगम के डिप्टी मेयर सुधीर जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और निगम की कार्रवाई को धक्केशाही वाली कार्रवाई करार दिया। डिप्टी मेयर का कहना है कि जब वो पार्षद ही अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसे खुद BJP ने अपनी आवाज उठाने के लिए सदन में भेजा हो, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हर वर्ग कितना परेशान है और कहां जनता को सताने वाली BJP का पतन अब नजदीक है। 9 अप्रैल को DRM कॉम्प्लेक्स के निर्माणाधीन स्विमिंग पूल में डूबकर मरे बच्चों के परिजनों ने रेलवे के GM विश्वेश्वर चौबे से इंसाफ मांगा। वार्ड पार्षद ने GM को एक ज्ञापन देकर बच्चों के परिजनों के लिए मुआवजा या फिर नौकरी देने की अपील की है। वहीं GM ने लोगों को ढाढस बंधाते हुए मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद चित्रा ने GM को ज्ञापन देकर हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाह लोगों पर रेलवे की ओर से कार्रवाई करने की मांग की है। चित्रा ने कहा है कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, जिस वजह से DRM पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और ये भी कहा कि दुखी परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़ा कांग्रेस वहां तक जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से मंडियों में सरसों की खरीद शुरू किए जाने के बावजूद किसान संगठन कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है और आपको बता दें कि हाथों में कागज लिए किसान सभा के बैनर तले खड़े ये लोग किसान हैं, जो कि अपना ज्ञापन पत्र अधिकारियों तक पहुंचाने आए हैं। शेड्यूल के मुताबिक खरीद न होने की वजह से किसानों में रोष है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने मंडियों में सरसों की खरीदारी तो शुरू कर दी है, लेकिन मंडियों में सरसों को सही तरीके से नहीं खरीदा जा रहा। संगठनों का कहना है कि सरकार शेड्यूल के मुताबिक सरसों की खरीद करवाए, नहीं तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। अंबाला कैंट के शाहपुर के बुहावा की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं की वजह से किसानों की फसल खुलेआम भीग गई है और प्रशासन दावे करता रह गया। किसानों का कहना है कि जमींदार को बरसात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुलेआम बरसात में किसानों की मेहनत भी खराब हो रही है और ये भी कहा कि सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े राहत पैकेजों की बात करती है, लेकिन यहाँ के इंतजाम देखकर केवल हवाई बातें लगती हैं। वहीं फसल खरीद और मंडी के इंतजामों का जायजा लेने के लिए FSDM मंडी पहुंचे और वहीं मंडी सचिव का कहना है कि अभी तक करीब 22,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और ये भी कहा इस बार बंपर फसल होने की उम्मीद है, जिसे लेकर मंडी पूरी तरह से तैयार है। गुरुग्राम के गांव कासन में सरपंच की गोलियों से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर NSG के रिटायर्ड कमांडो ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद सरपंच ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना के बाद गुरुग्राम पुलिस के DCP SP समेत थानों के SHO मौके पर पहुंचे। बता दें कि हत्या के बाद रिटायर्ड कमांडो ने खुद पुलिस थाने जाकर अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरपंच की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते गांव और अस्पताल में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। गांव वालों के मुताबिक दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अचानक रिटायर्ड कमांडो के इस कदम से हर कोई हैरान है।
झज्जर जिले के बादली सब डिवीजन मुख्यालय से होकर गुजर रही एनसीआर माइनर में बुधवार को घटित हुई दो अलग अलग घटनाओं में एक किशोरी समेत दो की मौत हो गई है। मृतका गांव माजरी की रहने वाली थी, जो कि पानी पीने के लिए माइनर में उतरी और पैर फिसलने पर वो उसमें डूब गई। वहीं अपने दोस्तों के साथ माइनर में नहाने के लिए उतरा दीपक मृतका दिल्ली निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि दीपक के शव को गोताखोरों की मदद से घटना के करीब दो घंटे बाद माइनर से निकाला गया। शोर सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने गहन प्रयासों से मृतक के अन्य साथियों को तो बचा लिया, लेकिन दीपक पानी में ही बह गया। सूचना मिलते ही बादली के एसडीएम, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर गोताखोर को बुलवाकर दीपक की तलाश शुरू करवा दी। दो घंटे के बाद गोताखोर ने दीपक के शव को माइनर से बाहर निकाला और घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फरीदाबाद के पौश एरिया सेक्टर 15 में डॉक्टर दंपति की तरफ से चलाए जा रहे जीवन ज्योति हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी है और छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच के मामले को लेकर ये जो छापेमारी की उसमें बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 में ये हॉस्पिटल पिछले 30 साल से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ लिंग जांच की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची और मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया। वहीं अस्पताल की संचालक डॉक्टर रीना जैन का कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी लिंग जांच जैसा काम नहीं किया है। उन्हें नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्यों उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। गोहाना के मेन बाजार में चोरी का एक ट्रक फंसे होने का मामला सामने आया है। ट्रक के फंसने से बाजार की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है और लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लिया और मामले का पता लगाया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक जींद के रहने वाले एक व्यापारी का है, जो जींद से सोनीपत की तरफ ट्रक से टायर लॉड कर किसी के पास भेज रहा था और इसी के चलते जींद में गोहाना रोड पांडू पिंडारा गांव के पास से रास्ते में कुछ बदमाशों ने ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को बंदी बनाकर ट्रक को लूट कर वो वहां से फरार हो गए। गोहाना में मेन बाजार में रास्ता नहीं होने की वजह से बदमाश ट्रक को वहीं छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि बाजार में ट्रक के घुसने से बिजली और केबल की सभी तारें टूट गई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।